देखो ये हम लोगों का एक क्वेश्चन करना है। देखो ध्यान दो, मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर करता चल रहा हूँ और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, है ना। जो अपनी एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज वाइज जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सारे क्वेश्चन मैं कवर करता चल रहा हूँ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे बता रहा हूँ। तो आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी साथ साथ कर सकते हैं, मतलब उसके करीब मान लीजिए 80% क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ और कुछ सवाल उससे मिलते जुलते बता रहा हूँ जिसमें आप अपना दिमाग लगाइए, है ना। अगर मैं सारे खुद करा दूंगा तो फिर आप दिमाग कहाँ से लगाएंगे, है ना। तो वही क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ जो बहुत ईजी है जिसमें आप दिमाग लगा करके आसानी से कर सकते हैं। देखो जैसे ये सेट वही है जो भी पिछले क्वेश्चन में था, ठीक। अब देखो इसमें हमको ट्रू फॉल्स बताना है। देखो जैसे पहला सेट के अंदर 3 4 सबसेट ऑफ ए, तो सेट के अंदर 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब एक्चुअली सेट के अंदर 3 4 जो है वो इसका एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। तो यहां लिख रहा है ये सबसेट, इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। लिखो सब बच्चे, पहला वाला क्या हो गया फॉल्स, है ना। पहला वाला क्या हो गया फॉल्स, क्योंकि 3 4 सेट के अंदर एक्चुअली इसका एक एलिमेंट है, इसका वो एक मेंबर है ना, वो इसका सबसेट नहीं है, वो इसका एक मेंबर है। तो इसलिए सेट के अंदर 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये हो गया फॉल्स। हाँ अब देखो अगला वाला, सेट के अंदर 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, ये ट्रू हो गया, क्योंकि सेट के अंदर 3 4 जो है वो एक एलिमेंट है और एलिमेंट सेट में हमेशा क्या करता है बोलो, बिलोंग्स करता है ना। जो एलिमेंट होता है वो हमेशा सेट में क्या करता है बोलो, बिलोंग्स करता है। अगला देखो, सेट के अंदर 3 4 फिर एक सेट सबसेट ऑफ ए, है ना। सेट के अंदर 3 4 और फिर ऊपर से एक सेट सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है, क्योंकि ये एलिमेंट है, एलिमेंट को सेट के अंदर रख दिया तो क्या बन गया, सबसेट, है ना। देखो ये पूरा एक एलिमेंट है, एलिमेंट को सेट के अंदर रख दिया, क्या बन गया, सबसेट ऑफ ए, तो ये बात सही है। अभी देखो यही बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाई थी, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है, यही सब बातें मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, है ना। सेट के अंदर एलिमेंट और सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है। देखो वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ट्रू है, वन बिलोंग्स टू ए। वन सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है, वन सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, वन एलिमेंट है, सबसेट नहीं होगा। देखो 1 2 5, सेट के अंदर 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। देखो 5 5 इसका मेंबर नहीं है, है ना। यहां पर देखो 5 इसका मेंबर नहीं है। देखो अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है उसमें उसने यहां पर 5 ले लिया है, एनसीईआरटी में जो सवाल दिया एग्जैक्टली एनसीईआरटी का सवाल नहीं लिया मैंने, थोड़ा चेंज कर दिया। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है ध्यान देना, उसमें देखो यहां पर 5 लिया है तो उसमें ये बात सही हो जाएगी, लेकिन यहां पर ये बात गलत है क्योंकि हमने यहां पर 6 लिया हुआ, ध्यान दीजिए। तो 1 2 5 इसका सबसेट नहीं है क्योंकि 5 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया बोलो, फॉल्स हो गया, है ना। ये क्या हो गया, फॉल्स। हमारे हिसाब से एनसीईआरटी जब आप देखोगे तो वहां पर इस क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ है और वहां पर ये क्वेश्चन सही माना जाएगा उस केस में, तो वहां पर ये ट्रू हो जाएगा। अब देखो सेट के अंदर 1 2 5 बिलोंग्स टू, तो बस ये गलत है क्योंकि सेट बिलोंग्स नहीं करता हमेशा, है ना, सेट इसका सबसेट होता है, तो फॉल्स हो गया। अब देखो सेट के अंदर 1 2 3, हाँ ध्यान दो, सेट के अंदर 1 2 3 सबसेट ऑफ, देखो एक्चुअली 3 यहाँ ही नहीं, 3 4 है लेकिन वो सेट के अंदर है, वो अपने आप में अलग है, 3 को अकेला नहीं कर सकते। जैसे हम चाहें इसको हटा करके 3 4 अलग अलग लिख दे तो वो पॉसिबल नहीं है, 3 यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं है, वो 3 4 एक सेट के साथ में है। तो अगर हम कहेंगे 1 2 3 एलिमेंट्स और उसको बना दिया मिला के सेट और सबसेट ऑफ ए, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर अकेला नहीं है, 3 4 कंबाइंड है, 3 4 को अलग अलग नहीं किया जा सकता, है ना, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब देखो 5, ध्यान दो, मैंने बताया था आपको 5 5 क्या होता है बोलो, एम्प्टी सेट। तो ध्यान देना, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट है, मोर करेक्टली कहना चाहिए प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट मैंने बताया था सबसेट क्या होता, प्रॉपर सबसेट क्या होता, इस सब मैंने आपको डिटेल से समझाया। तो फाई जो होगा, जो फाई होगा वो एक्चुअली ए का सबसेट होगा,
ए मतलब कोई भी हो, ए हो सकता, बी हो सकता, सी हो सकता, ए बी सी डी कोई भी सेट हो सकते हैं, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ध्यान दीजिए इस बात पे, है ना। और मोर करेक्टली, ज्यादा सही ये है हम ये कहें कि फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, ज्यादा करेक्ट ये है, ठीक है। तो देखो फाई सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है ना। तो देखो अब जैसे यहां पर है टेंथ वाले में फाई सबसेट ऑफ ए, तो ये बात सही है, लेकिन कह रहा है फाई बिलोंग्स टू ए, ये बात गलत है। फाई ए में बिलोंग्स नहीं करता, फाई क्या होगा बोलो, ए का सबसेट होगा, फाई ए में बिलोंग्स नहीं करेगा, तो ये फॉल्स है, लेकिन फाई सबसेट ऑफ ए ये बात ट्रू है। अब देखो सेट के अंदर फाई सबसेट ऑफ ए, ये भी गलत है। मैंने बताया था कि सेट के अंदर फाई नहीं लिखते, सेट के अंदर फाई लिखते हैं तो वो एम्प्टी सेट नहीं रह जाता, तो ये एक्चुअली एम्प्टी सेट नहीं है जिसको हम सबसेट कहेंगे, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ध्यान देना फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट नॉट एलिमेंट, तो बिलोंग्स का मतलब वो एलिमेंट है इसलिए फॉल्स है, और सबसेट का मतलब सबसेट है, ये बात ट्रू है, लेकिन फाई को सेट के अंदर लिख दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फाई को अगर सेट के अंदर लिख देंगे तो फिर वो जो है वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, वो कोई और सेट बन जाएगा, इसलिए ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना। तो लिखें सब बच्चे ध्यान से इसको, सब बच्चे ध्यान से इसको लिखें, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया गया, उसमें सिक्स नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है, फाइव है, सब ध्यान से लिखें बच्चे इसको।